चाबी देखो कितनी क्यूट सी चाबी है। वैसे ये माइलेज क्या निकाल के दे रही है, मतलब ये ना क्यूटनेस से ओवरलोडेड है। तो इसमें 10 लाख रुपए की लोडिंग्स लगी हुई है। एक खुली छत वाली गाड़ी देख के लोग पागल हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारे साथ में है छोटी सी प्यारी सी गाड़ी। भाई ये गाड़ी भले ही छोटी है लेकिन इसका जो प्राइस है ना वो बहुत बड़े है। भाई ये अमीरों की स्विफ्ट है और ये जिसकी गाड़ी है वो भी एक बड़े यूट्यूबर है, तो जिनकी ये गाड़ी उनको वेलकम करते हैं। पारस प्लीज फ्रेम में आ जाइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको आपकी नई गाड़ी के लिए। थैंक यू सो मच। देखने में ना गाड़ी बिल्कुल नई नवेली लग रही है, बट नई तो ये आ नहीं रही है, डिस्कंटिन्यू हो गई है। तो आपने इसको नया नहीं खरीदा, प्रीओन खरीदा, राइट? हाँ, प्रीओन। अच्छा, कौन सा मॉडल है ये? 2017। क्या कॉस्ट बैठी इसको? कॉस्ट मेरे को पड़ी है 40 लाख नेट। 40 लाख। यार आपके पास पहले से स्पोर्ट्स कार थी, उसके ऊपर से आपने मिनी कूपर परचेज कर ली, क्या सोच के खरीदा? मतलब एक कन्वर्टेबल का चाव था। बस एक ही हो रहा था कि एक तो मेरे को ट्रिप पे जाना था कहीं बाहर इंटरनेशनल, बस ये था बेसिकली। एक कन्वर्टेबल कार चाहिए, थोड़ा सा ऐसे रूफ वूफ खोल के घूमे, शौक पूरा हो जाए, बस इसीलिए। जेन्युइनली यार इसको ना पहाड़ों में घुमाने का अलग ही मजा है। बट एक चीज है यार, मतलब अपने इंडिया में ना कन्वर्टेबल का क्रेज अलग लेवल का है, लोगों के रिएक्शंस बहुत तगड़े आते हैं। तो ऐसा कुछ रिएक्शन आपको दिखा, कोई एक्सपीरियंस कुछ इंटरेस्टिंग सा जो हमारे साथ शेयर करोगे? नहीं, दिखता है, मतलब हर जगह पे दिखता है। आप कहीं भी रेड लाइट पे रुक जाएं अगर तो भाई पूरा दिखता है, लेकिन दिल्ली के लिए नहीं है ये गाड़ी, मैं ये मान रहा हूँ। क्योंकि ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है जब दूसरी गाड़ियों की हीट ना इसी के अंदर आती है। अगर आपने खोल दिया ना ये तो बहुत दिक्कत होगी। हर रात को लेके जाओ, घूमो मस्त। बिल्कुल, ये चीज है कि अपना इंडिया जैसा है, जैसा क्लाइमेट यहाँ पे रहता है ना, मोस्टली टाइम गर्मी रहती है और उसके ऊपर से मिट्टी, तो थोड़ा आपको ये फील नहीं होता कि यार गाड़ी तो मैंने बहुत अच्छी ले ली, बट मिट्टी गर्मी, नहा के निकलो वापस घर में घुसो फिर ना हो। लेकिन मेन इसका वो है ना कि मेरे को लेके जाना इसको इंटरनेशनल ट्रिप पे। ओह, तो बाहर जाएंगे तो वहाँ पे मिट्टी विट्टी कम मजा आएगा। अच्छा, और कौन कौन से ऑप्शंस देखे आपने इसके अलावा? इसके अलावा ऑप्शन था पोर्शे। पोर्शे फिर मेरे आउट ऑफ बजट जा रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कार है, दो गाड़ियां और भी है, थार भी है, वो सफारी भी है, तो फिर मेरे को ये था रखने की भी दिक्कत है बहुत ज्यादा, और फिर पोर्शे आउट ऑफ बजट थी तो इसलिए उसको छोड़ दिया। यार बजट की बात कर रहे हो तो ये 40 लाख के करीब आपको पड़ी। 40 लाख में यार बंदा सोचता है यार नई गाड़ी निकलवाते हैं, फॉर्चुनर निकलवाते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं सोचा या कोई और नई गाड़ी हम निकलवा लें, ऐसा दिमाग में नहीं आया कि मैं प्रियोन ना लेके कुछ नया ले लूं? फॉर्च्यूनर चॉइस हो सकती है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी सफारी है और वो भी लास्ट ईयर ही मैंने बाय की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो फॉर्च्यूनर का तो कोई बनता नहीं है लेने का, ठीक है, तो मैं कह यार कन्वर्टेबल का अपना ही मजा है इसका। सही है, सही है। अच्छा यार, मिनी एक ऐसी गाड़ी है जो हर कोई ना ब्राइट कलर्स में लेना पसंद करता है, तो आपने मतलब रेड हो गया, येलो हो गया, जितना चटकीला उतना सुंदर। तो मतलब जैसे मैंने देखा है यार, आपने अपनी पहली वाली गाड़ी भी नियॉन येलो से कलर की रैप करवा रखी थी, तो ब्राइट कलर्स में तो आप हो, आपको अच्छे लगते हैं ब्राइट कलर्स, तो फिर आपने ये ब्लैक कलर में क्यों चूज़ की? मेरे को ब्लैक कलर ही ज्यादा अच्छा लगता है। सफारी ब्लैक है, थार ब्लैक है, और वो स्पोर्टी है ना, इसलिए बिल्कुल ऐसे स्पोर्ट्स कार है, तो येलो ऑरेंज रेड मस्त लगती है, लेकिन इसमें ब्लैक बेस्ट है। बट अगर कभी मन हुआ आगे तो रैप करवा लूंगा, तो रैप करा लेंगे, क्या दिक्कत है। सही है यार। एक चीज है, मिनी कूपर ना मतलब बड़ी क्यूट गाड़ी है, और क्यूट चीजें जो होती है ना वो लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। चाबी देख लो, गाड़ी देख लो, छोटी सी प्यारी सी है, बहुत प्यारी। तो मतलब आपने कैसे चूज किया? मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि लड़कों को पसंद नहीं आती मिनी, बट मैं वैसे बात कर रही हूँ। मेन रीजन है इसका पावर। ओके, पावर बहुत ज्यादा है, दिखती छोटी सी है, और दूसरा दिल्ली के ट्रैफिक में मैं रहता दिल्ली हूँ भाई, कहीं से भी अभी लेके आ रहे थे हम, ऐसे 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 कहीं साइकिल की तरह निकल जाती है कहीं से भी। सही है, सही। तो इसका बहुत एडवांटेज है इसका। यार जरा एक बार इसकी चाबी देखो, कितनी क्यूट सी चाबी है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई टॉय हो, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और एक बार ना इसका बूट स्पेस भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखो भाई, मतलब ये ना क्यूटनेस से ओवरलोडेड है। ये गाड़ी छोटी सी प्यारी सी इतनी क्यूट लगती है ना, मेरी बचपन से ड्रीम कार टाइप की है। जब से मैंने इसको देखा ना मुझे ऐसा लगता है यार कितनी प्यारी है ये गाड़ी। वैसे गाड़ी चली कितनी हुई है? कि चली है 24,000। और इसमें से आपने कितनी चलाई है? मैंने चलाई है अभी 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट, तो अप्रोक्सीमेटली 23,500 आपको चली हुई मिली थी गाड़ी। ओके, अच्छा यार वैसे तो ये 4-सीटर है, बट मैं ना बैठ के इसके अंदर देखना चाहूंगी कि एक्चुअल में 4 बंदे इसके अंदर बैठ सकते हैं या 2 बंदों वाली है ये। आओ देखो, ट्राई करो। तो यहाँ पे मैं पीछे आके बैठ गई हूँ, मुझे जेन्युइनली बताऊं तो लगा नहीं था कि यहाँ पे 4 लोग बैठ पाएंगे, बट अब कह सकती हूँ कि मीडियम बिल्ड के भी 4 लोग यहाँ पे आराम से और कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और इस गाड़ी में ना बैठ के ट्रैवल करने की वाइब ही अलग है, ये भी बता दूं। अगर धूप नहीं है तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो इसमें बैठ के ट्रैवल करना, और घूमने जा रहे हो तो मजा ही अलग है। जैसे आपने कन्वर्टेबल कार ली है तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? भाई खुली छत वाली गाड़ी देख के लोग पागल हो जाते हैं, घर वाले तो बहुत खुश होते हैं, तो क्या ओपिनियन? मेरे पापा मम्मी अब तक की मैंने जितनी कार्स ली है ना सबसे ज्यादा इसमें खुश है। मम्मी कहते थे बंद घुटता है हर गाड़ी में, कईयों को होता है यार क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बढ़िया है, बहुत ओपन सा लगता है, अच्छा लगता है। वैसे ये माइलेज क्या निकाल के दे रही है? माइलेज तो ये 6-7 की देती है।
6-7 की देरी है, माइलेज थोड़ा सोचते हैं ऐसी गाड़ी चलाते टाइम। हाँ वो नहीं, ऐसा नहीं है, सुपर कार में अगर मैं बात करूँ मेरी पहले वाली जो गाड़ी ओरिजिनल उसकी एवरेज बहुत प्यारी है। अगर आप उसको 80-90 पे चला रहे हो ना तो आपको 14-15 की एवरेज दे रही है वो, उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। बिकॉज़ इसकी बहुत कम है, इसकी हाफ है, 6-7 ऐसी रह रही है। वैसे आपको आपकी गाड़ी में नेगेटिव्स क्या लगते हैं? मानती हूँ आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ परचेज करे, बट स्टिल ओनर को पता चल जाता है क्या कमी है उनकी। नेगेटिव्स है, एक तो जो सीट्स है पीछे वाली अनकंफर्टेबल है थोड़ी सी क्योंकि ना एक तो ऐसे स्ट्रेट होकर बैठना पड़ता है और बहुत ज्यादा दूर तक आप नहीं बैठ के जा सकते। बिल्कुल। दूसरा मैं अगर मैं चला रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर तो पीछे कोई बैठ ही नहीं सकता, पीछे स्पेस नहीं बचता है। सेकंड एवरेज तो देखो हर किसी के लिए भी एक टाइम पे मैटर करती है। जब आप बहुत लंबे रूट पे जा रहे हो 5 की एवरेज 6 की एवरेज तो थोड़ा सा वो भी ऐसा लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। बट जैसे आप पंजा दबाते होगे सब कुछ दिमाग से निकल जाता है। हाँ, पावर बहुत है, पावर बहुत है। वो तो है। जब आप आए थे ना एग्जॉस्ट की आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, एक बार सुना दो प्लीज। मैं भी चलाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक मस्त ऐप के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है बूडमो। यहाँ पे आपको 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिलते हैं बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। घर बैठे बैठे आपको स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, चाहे आपकी छोटी गाड़ी हो चाहे आपकी बड़ी गाड़ी हो, हर एक गाड़ी के स्पेयर पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ से शॉपिंग करना बहुत ज्यादा ईजी है, इनकी वेबसाइट भी है, इसके अलावा ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे इनका ऐप भी है, जहां से चाहो वहां से शॉप कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात है कि 10 डेज का रिटर्न पीरियड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगली बार जब कभी भी आपको स्पेयर पार्ट परचेज करने हो तो स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट बूडमो को चूज करो। स्टॉक तो नहीं है इसमें, किट लगी हुई है ना JCW की। ओके, किट में क्या क्या इंक्लूडेड है? किट में ये सारा अल्कंटारा लेदर है। ओके, जितनी भी सीट्स है जो लैम्बोर्गिनी बड़ी बड़ी कार्स में आती है। तो इसमें 10 लाख रुपए की लोडिंग्स लगी हुई है। ओके, जिसमें क्या क्या है? एक तो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट हो गया, ये हो गया सीट कवर, ये हो गया, ये सब हो गया। ओके, तो ये सब कुछ नहीं आता लगा हुआ। भगवान ने चाहना जरूर खरीदूंगी। तो आपको ये ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा लगा पारस की तरफ से कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।